गाइस, मैंने बोली थी कल के व्लॉग में कि आप लोगों को आज मैं सनराइज दिखाऊंगी। तो देखो मेरे पीछे जो है दैट इज सन एंड आई विल शो यू द सन। देखो कितना ब्यूटीफुल सनराइज है। मैं भी अभी उठ के आई हूँ, पापा सो रहे हैं और मम्मी शायद उठ चुके हैं। ऐसे ही थोड़ा सा चल रही थी, ठंड लग रही है बहुत जोरों की, बिना स्वेटर के आ गई हूँ। क्या हुआ प्रियांशी? रस्ते में दिखाओ चोट लगा ये माँ। फ्रेंड्स, प्रियांशी को ये चाहिए था, दुकान गई थी, एक नया दुकान ये खरीद के लाई। मैंने 100 रुपीज मैंने उसको दिया तो ये सब खरीद के लाई। एक अच्छा दुकान था हमारे यहाँ पे, नया खुला है ना। मॉर्मेड पेन भी लाया था उधर, अंकल ने लिखा है। मॉर्मेड पेन लाए हो कि वो अंकल नहीं दिए थे, पॉलिथीन में दिए थे कि नहीं दिए थे? भरे थे ना? भरी थी, मैं तो चेक कर कर के आई हूँ, देख देख के आई हूँ इन लोगों को। जब गिरी तब तब भी था मैं, फिर गली के अंदर घुसने के बाद नीचे गिरा एक बार, मैं उसको उठाया, फिर से नीचे गिर गया, मैं उठाया और शायद उधर कोई होल था और वहाँ से वो वहीं गिर गया और कोई ले गया है मेरा पैर। गया जिसने भी किया मैं पुलिस को बताऊंगी। पुलिस को बताने से, पुलिस से बताने से क्या होगा? मैं वेट फ्रेंड्स बोली हूँ प्रियांशी को कि जब भी घर से निकलो दौड़ना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ रास्ता का काम हो रहा है ना, उबड़ खाबड़ है रास्ता, प्लेन नहीं है ना, कोड़ दिए हैं, खुदाई कर दिए हैं। तो मैं इसके लिए अभी गर्म पानी लाई हूँ, इसमें धोऊंगी और डेटॉल दूंगी, उसके बाद फिर बैंडेड लाएंगे। बैंडेड है कि नहीं ढूंढेंगे, नहीं तो आंटी के घर से मांग के लाएंगे, है ना बेटा? मत रो, तुम तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, क्या करेंगे। अरे मार्बेट पेन जाने दो, जाएगा तो फिर नया खरीदेंगे। उनके दुकान में और नहीं है क्या? है तो बहुत सारे, वो यूनिकॉर्न पाउच रखे, अलार्म रखे, और वो बुक्स एंड बुक्स कई गुना ज्यादा अच्छे और सस्ते हैं। बुक्स एंड बुक्स में तो बहुत ऑनलाइन भी है और बहुत अच्छा क्वालिटी है। ये बॉल पेन है। बॉल पेन है तो तुम एग्जाम में भी लिख पाओगे ना। देखो तो उसमें लिख के दिखाओ कैसा हो रहा है। अरे बापरे मेरी बेटी गिर गई। हाँ इसमें तो हैंडराइटिंग है, मुझे भी कभी कभार लिखने दोगे ये पेन में? थोड़ा मैं भी लिखूंगी दूंगी। इस संडे हम वहाँ जाएंगे चैलेंज के लिए। हाँ 100 रुपीज स्टेशनरी चैलेंज करेगी प्रियांशी, वो शॉप जाएगी। क्या मेरा मर्मेड पेन? अरे कोई बात नहीं, फिर खरीद देंगे। गया तो गया, ऐसा एक्सीडेंट होता रहता है बेटा। 20 रुपए का था। हाँ तो जाने दो ना, गिर तो गया ना, फिर नया खरीदेंगे। मत रो, मैं जाके ले आऊंगी क्या इवनिंग को? कोई ले गया है। हाँ तो मर्मेड पेन कोई चोरी। और कौन सा कलर का लाई थी? रेनबो कलर का था। वो रेनबो कलर का था मर्मेड पेन? सर्च मारना जैसा दिखा, ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा पैसा दिखाते हैं। 20 रुपए का था, जहाँ उधर 2000 का ले रहे थे, इधर 20 का। 2000 नहीं, 200 ऐसा था, 200-150 ऑनलाइन में मैंने देखी थी। मत रो मत रो, रोने से और क्या फायदा। अरे बेटा दिखाओ चोट, दिखा दो थोड़ा फ्रेंड्स लोगों को। ये बहुत दिनों बाद प्रियांशी को चोट लगा है, दौड़ दौड़ के जा रही थी, शायद इसीलिए दौड़ रही थी कि उसका ऑनलाइन क्लास है अभी 11 बजे बोल के ना। और उसकी दोस्त सोनाक्षी ने याद दिलाया, वो ग्राफ पेपर दिखाओ, इनका आज मैथ क्लास में ग्राफ कराएंगे तो ग्राफ कॉपी लेके आई है, दो लाई है। दो चाहिए, एक ही चाहिए था ना? अच्छा ठीक है, नहीं तो एक मैं तुमको जाते वक्त एक बैग दे देती तो बैग के अंदर रखती तो नहीं गिरता ना। क्या मर्मेड पेन? हाँ 30 रुपीज का था। ये क्या हो रहा है, मैंने पूरे 30 रुपए गवा दिए। गया घर में भी तो नहीं गिरा है, घर में गिरता तो मैं दे देती ना तुमको, तुम आई और ये हुआ। अरे बच्चा मत रो मत रो, देखो रोते हुए कितना गंदी दिखती हो, मत रो मेरी बच्ची। हाँ मैं ला दूंगी, बोली ना बेटा। मेरे जो खोया है वही वाला चाहिए।
जो खोया है वही वाला, अभी गई तो ढूंढी तो नहीं मिला ना? हर एक जगह ढूंढी मैं, लिया के गुगु के नीचे भी ढूंढी उस तरफ। कहाँ पे गिरा है मुझे बता दो, मैं एक बार जाके चेक कर लूंगी वैशाली के घर के पास। ओके मैं जा रही हूँ, ठीक है मत रो। ओके नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा तो शायद मुझे मिल जाए। ओके दिखाओ हाथ, दिखाओ बेटा, दर्द हो गया। ओहो पानी ठंडा हो गया है, रुको रुको मैं गर्म पानी। मत रो मत रो, रुको डस्ट पहले को क्लीन करते हैं। हाँ जर्म्स चले जाएंगे इसमें, डस्ट मिट्टी लग गया है ना बेटा, देखो कितना मिट्टी है फ्रेंड्स। अभी थोड़ा डेटोल लगाएंगे। तो हमारे स्कूल की नर्स होना चाहिए था। क्यों बैंडेड वो दुकान में मिलेगा ना, उनके दुकान में, उनकी के दुकान में। मैं जा रही हूँ तुम्हारा फैन ढूंढ के भी ले आऊंगी और बैंडेड भी ले आऊंगी। हो गया बस बस हो गया मेरी प्यारी मम्मी, मेरी सुंदर मम्मी। हो गया जाओ क्लास करो, ठीक है मैं जा रही हूँ। मुझे 10 रुपये दे दो। 11:30 ही बजा है, कंप्लीट हो चुका है मतलब खाना बनाना ये सब। लेकिन संडे का इतना सारा, इसके पापा का ड्रेस है इतना सारा, मतलब वॉशिंग मशीन से धोए थे, सूखा के आलना पूरा फुल था, तो मैं ले आई हूँ। आज सोचा है जैसे भी हो इसको आयरन करना है, क्योंकि मैं कल सोची आयरन करूँगी, कल मेरा सर दर्द हो रहा था तो आयरन नहीं कर पाई। फिर आज प्रियांशी को मैंने बोला कि चलो नहा, फिर उसके बाद बैंडेड लगा देंगे। हाथ दिखा दो, देखिए दो दो बैंडेड लगा दिए हैं। और क्लास करे, क्लास में मन नहीं क्या बेटा, मन लगा के सर दुख रहा है, ये जो 6:30 बजे उठ रहे हो ना, इसीलिए जो तुम्हारा सेल्फी हुई सूरज वाला चैलेंज के लिए। हाँ जितना दिन जल्दी सोयोगे। मुझे अभी तुम क्या बोल रही थी कि मेरा हाथ में ऐसा चोट लगता है तो मैं क्या करती, कुछ नहीं करती, बर्तन नहीं धोती, खाना नहीं बनाती और बेड में सोती रहती। अच्छा पेन थोड़ा दिखा दो, फाइनली न्यू पेन में लिख रही है, यूनिकॉर्न डायरी एंड यूनिकॉर्न पेन। फ्रेंड्स अभी हो रही है इवनिंग के 5:31। सो मतलब मेरा अतरंगी हेयर स्टाइल क्या है, तो ये है बन जो मम्मी ने मेरा बना दिया था। एक्चुअली आई डोंट नो कैसा दिख रहा होगा ये कैमरा में। तो हाँ इवनिंग होगी, हमें ट्यूशन का कुछ नहीं मिला है और मैगी बन रहा है। हमने इतना बड़ा पैकेट मैगी का लाया है, उसको हम लोग मैगी चैलेंज मतलब यूज़ ही नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे। और इससे करने से ज़्यादा मेरा ये चोट, आप सोचोगे अभी कैसा है, मैं बता दूँ ये अभी बहुत बुरा है। ये अभी मैं 2 पैसा नहीं सोगी, मैंने मेरा मजदूरी किया है ये फ़ोन में। आप मेरा न्यू इंट्रो देखना चाहोगे? लेट्स सी आपका फेस आई डी दे रहे, अपना फेस दिखाओ। Oh no no no. And yeah. आपको इंट्रो कैसा लगा मेरे को बोलना कमेंट्स में, ऐसा बना इंट्रो। सो अभी 5:38 हो रहा है एंड मेरा ट्यूशन जो दैट इज ऑन 6:00 इन द इवनिंग। तो अभी मैं ना आराम से मेरा इवनिंग स्नैक्स खाऊंगी आराम से, और मेरा हाथ कितना दुख रहा है ऐसे करने के लिए, फिर भी मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ। आज मेरे को रात को स्टाइल से दौड़ रही थी थोड़ा फ्रेंड्स लोगों को। हाँ स्टाइल से तुम दुकान से जब ला रही थी कैसे दौड़ रही थी, फिर गिरी कैसे? मेरे को मरमेड पेन और यूनिकॉर्न पेन मिल गया। ये देखो फिर हाथ में लगेगा ऐसे। फ्रेंड्स ये ऐसे करके दौड़ रही थी, इसको मैंने मना भी किया था कि कभी भी रास्ते में दौड़ना नहीं। मूवी स्टाइल कर रही थी। आप लोग कभी ऐसे मत करना फ्रेंड्स प्रियांशी के जैसे। प्रियांशी को देखो कितना चोट लग गया, फिर भी मैं नाच रही हूँ।
फिर भी वो नाच रही है। और आजकल जो वो चैलेंज ली है, मैं बोल रही हूँ कि चैलेंज का एक एक क्लिप भी लिया करो, बस एक फोटो उठा देती है। लेकिन ठीक है, फोटो उठाने से भी वो डे वन से ली है, तो डे 1 31 जनवरी से ली थी, 31 फरवरी 1 फरवरी 2, मतलब 3 डेज हुआ है। तो हर फोटो में डेट हो जाएगा, डेट दे के कल 11 बजे सोई थी, बट फिर भी 11:30 बजे सोई थी कल ना। हाँ, फिर भी मैं मम्मी के बेसुरे आवाज से उठ गई और मेरा नींद टूट गया था, लेकिन मेरे को उठने का मन नहीं हो रहा था, पर मैंने बोला अपने आप से प्रियांश उठना है, चैलेंज करना है। और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर इसी तरह बनी हूँ, घटिया सा मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपना चाय बनाने, तो संध्या दिखा दूंगी, पूजा कर लूंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी एंड मैं सो जाती हूँ। तो मैं कितना फ्रेश लग रही हूँ ना, सो के उठी हूँ। किसको बोली दोपहर को सो जाओ तो सोई नहीं, कैसे बिल्ली लग रही है, बिल्ली। ये हेयर स्टाइल मुझे बनाने के लिए बोली है, इसका हेयर में ना तेल नहीं लगाती है फ्रेंड्स कभी भी, अगर मैं ना लगाऊं तो। आज देखिए भर भर के तेल लगाई हूँ सर पे, चंपू की हूँ। एक दिन आपको पता है स्कूल में मेरे को तेल लगाना भूल गई थी, और उसी दिन मतलब हमारा असेंबली था जिसमें प्रिंसिपल है मैं, तो मैंने मेरा पानी बोतल से अपना सर को चंपू चंपू करके गीला करके असेंबली में खड़ी थी, और मैम को पता नहीं चला, और नाखून में नेल पॉलिश लगा था, नेल पॉलिश को ना साफ कर दिया, ऐसे दांत से साफ कर दिया, बहुत गंदा लगा था नेल पॉलिश टेस्ट, आपने कभी ऐसा किया है? बहुत गंदा लगा था, मेरे बाल, मेरे पानी खत्म हो गया, इसलिए मैंने सोनाक्षी से बोतल मांगी, पानी मांगा था उसे। अच्छा, असेंबली के खत्म होने के बाद हम स्कूल में होता है ना पानी भरने वाला। हाँ, अभी ये चोट का क्या हाल है, थोड़ा दर्द हो रहा है? मैंने इसमें मेरा नाम पूछ लिखा है। चोट में भी पूछू लिख दिया है, प्रभु क्या किया जाए। फ्रेंड्स, आज इसका चोट लगा है तो इसको आज एडिटिंग से छुट्टी, एंड लेकिन चिंता ये है कि डांस क्या डांस सैटरडे को देगी प्रियांशी, तो सैटरडे के लिए बोल दी है, तो डांस कुछ सूट हुआ नहीं है, अभी चोट लग गया है तो सूट करेंगे, कल परसों शूट करना पड़ेगा, फ्राइडे को भी शूट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि डांस में इतना एडिटिंग होता नहीं है, है ना। सैटरडे को सरस्वती पूजा है, स्कूल छुट्टी है तुम्हारा, आज कितना रिवीजन का उसको नोटिस दे दिया है। फ्रेंड्स, आप लोगों का भी एग्जाम चल रहा है क्या, कि होने वाला है क्या फाइनल? प्रियांशी लोगों का फाइनल से पहले देते हैं रिवीजन टेस्ट, फिर उसके बाद होगा क्या टर्म 2 फाइनल एग्जाम। ड्रम साउंड्स हमें एडिटिंग नहीं आता है, इसलिए हम ऐसे बजाना है। टर्म 2 एग्जाम, फाइनल एग्जाम, उसके बाद तुम 5 क्लास से 6 पढ़ने जाओगी प्रियांशी दीदी। फेल भी हो सकती हो, फेल भी हो सकती हो, रानी की जय हो। नहीं, ये पिक्चर देख के कोई बिलीव करेगा कि ये आप इतनी सुंदर थी, आप तो पता नहीं, ये फोटो देख के पापा आपसे शादी की होगी। तो टॉम एंड जेरी जैसा क्यों हो रही है, ऐसा चोटी बनाया है तो बिल्ली जैसे लग ही रही है। देख हाथ में दर्द है, खाओ, अभी ट्यूशन का लिंक नहीं दिया है ना, खा ले। बैंडेड के ऊपर लिख दी हो क्या? उसको रात को खोल दोगी है ना, फिर तब मैं जानू तू समझी है। तुम्हारा ट्यूशन कंप्लीट? मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे को एक्सट्रीम टर्म्स का क्या है, मेरे को पॉइंट करके दिखा कि एक्सट्रीम टर्म्स कहाँ है। मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं भी कर सकूँ। इनका क्या होगा फिर सोनाक्षी, इनका प्रपोजल में हम इनको क्या लिखेंगे बोल? प्रपोजल में हम पहले लोग एक बार में कोई बार आंसर
फ्रेंसी का ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो सोनाक्षी का डाउट क्लियर करते हैं, दोनों मिलके पढ़ाई करते हैं। तो वो पढ़ रही है, अभी 8:30 हो चुका है। फ्रेंड्स अभी वो टाइम आ गया है रात का जब हम जाते हैं लिया को खाना देने, राइट? और आज कुछ बुरी चीज हुई, पापा के हाथ में चोट लग चुकी है और मेरे हाथ में भी, क्या करें? और मम्मी खुशी से बर्तन धो रही है। तो इसीलिए अभी हम लोग ये खाना देने जाएंगे। तो क्या So it's time to go to Leah. Transition. Biryani. आ जाओ, ये डॉग दौड़ दौड़ के आ गया। फर्स्ट होगा उसको फर्स्ट पनीर मिलेगा। ये जो व्हाइट नेक वाला, ओह माय गॉड, ये खा रहे हैं। इनको भी पनीर अच्छा लगेगा। ओह हार्ड पुश कर करके लिया के भूखी सो रही है, उनको उसको मिल चुका है। दो दिन हो गए लिया नहीं आ रही खाने के लिए। लिया खाओ, कितने क्यूट दिख रहे हैं। ज्यादा पतलू मत होना, ये सोच रहे मेरे हाथ में खाना दे के तो आ गए, लेकिन उन छोटे पप्पियों को ना बिरयानी नहीं पसंद, उनको बस चावल दूध दही ये सब पसंद है, बच्चे हैं। तो प्रियांशी, हमारे हाथ का चोट अभी कैसा है, वो खोल दें क्या बैंडेड को? अभी दर्द होगा, नहीं होगा, खोल देते हैं। ठीक है, अगर इसमें से मेरा कोई भी बाल बाहर निकला तो याद रखना। क्या ये कार्टून देख के कार्टून के भाषा में बोल रहे हो? मेरा बैंडेड निकालो। निकालते हैं, बहुत दर्द होगा। एक हाथ से नहीं, मैं आपको व्लॉगिंग कर सकती तो आज इसके पापा का भी खंडिया हो गया, अब बहुत दुख रहा है। मैं ही आज वीडियो एंड कर रही हूँ मेरे इन जोड़ हाथ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड। गुड नाइट। आज का दिन सबसे बुरा दिन था प्रियांशी हिस्ट्री में, सही में। गुड नाइट, बहुत ही बुरा दिन था।